नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेषर। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे बढ़ते कोरोना की। कोरोना ने वैसे ही जीना मुहाल किया हुआ है। संक्रमण के बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन का टोटा लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में जैसे कई शहरों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मरीजों के तीमारदार सांसें खरीदने के लिए कतार में। सांसों के लिए ऐसी जद्दोजहद आपने जिंदगी में अब से पहले कभी नहीं देखी होगी। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन आज इसे इन सिलेंडरों में भरवाकर अस्पताल तक लेकर जाना इन लोगों की मजबूरी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के चलते हालात तो बदतर थे ही, स्वास्थ्य महकमे की बद इंतजामी और अस्पतालों की मर चुकी मानवता ने इन लोगों को लाइन में लगने के लिए मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट पर इस तरह से लाइन में लगे हुए लोग आपने अब से पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनका कोई अपना कोरोना महामारी की चपेट में है और ये उसे बचाने के लिए जी जान एक किए हुए हैं। ये झकझोरने वाली तस्वीरें थाना आलमबाग के तहत तालकटोरा इलाके में मौजूद एक ऑक्सीजन फैक्ट्री की है। यहाँ लोग खुद ही ऑक्सीजन खरीदने पहुँच रहे हैं क्योंकि ऐसा इन्हें अस्पतालों ने बोला है। अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज का तभी इलाज किया जाएगा जब ये लोग यहाँ से ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर लेकर पहुँचेंगे। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद इन लोगों की जुबानी ही सुन लीजिए। हॉस्पिटल में तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको दिक्कत आ रही है वो उनको इतनी दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा कुल मिला के जो भी क्षेत्र के लोग हैं और हर अपने क्षेत्र के लोग जो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। संगठन भी इसमें कुछ आ रहे हैं, हुसैन टाइगर्स एक संगठन है, वो भी बहुत मदद कर रहा है, वो सिलेंडर पहुंचाने की बहुत मदद कर रहा है, प्रयास में लगा हुआ है। वो खुद भी लड़के उनके सब लगे हुए हैं, हर क्षेत्रों में जा जाके जो भी चीज़ हो रही है वो कराई जा रही है। ये आलम राजधानी लखनऊ का है जहाँ संक्रमण और मौत की दर यूपी में सबसे ज्यादा है। ऐसे में कैसे नहीं समझा जाए कि लोगों की जान ये कोरोना वायरस और अस्पतालों की लापरवाहियां ले रही हैं, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। मरीजों को अस्पताल भर्ती करने से इनकार कर दे रहे हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहां भी ऑक्सीजन समेत कोरोना के मरीजों को बचाने के लिए रेगुलेटर और कई जरूरी इक्विपमेंट की कमी देखी जा रही है। लोग खुद ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पहुंच रहे हैं लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए सांसों की खरीदारी नहीं हो पा रही है, सिर्फ मायूसी ही हाथ लग रही है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ही इनके पास आया था, पता लगा था कि ये कुछ यहाँ से मिल सकता है, बट अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पास नहीं है या उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज है वो इनके पास नहीं है। और कोई पेशेंट हमारे भर्ती हैं रिलेटिव में, उसके लिए मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने आया हूँ क्योंकि हॉस्पिटल ने कह दिया है कि आप अपने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था खुद करें तभी आपका जो है हम जो है रख पाएंगे हॉस्पिटल में। कानपुर के उर्सला अस्पताल के बाहर बने केमिस्ट स्टोर पर आम दिनों में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जाते थे, लेकिन आज की तारीख में मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी पूर्ति कर पाना असंभव हो गया है। इतना ही नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत भी सामने आ रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दवाइयों की अनुपलब्धता कारण हो रहा है इसमें, कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन हर पेशेंट को जरूरत का कारण एक बना हुआ है जो है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं जो हमारे, वो सब रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन हम लोग की दुकानों में ये इंजेक्शन सुगमता से उपलब्धता नहीं है। ये सीधे कोविड हॉस्पिटल से ही मरीज को उपलब्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कोविड हॉस्पिटल में इस चीज़ की उपलब्धता बनी है, लेकिन अगर जब लोकल डॉक्टर जब इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, मरीज हमारी दुकान में चढ़ता कहता है भैया 6 इंजेक्शन ये दे दिए, लेकिन हम लोग के पास उपलब्धता ना होने के कारण मरीज मायूसी के तौर पर हमारी दुकान से लौट रहा है। हालात गाजियाबाद के भी अच्छे नहीं है, यहाँ भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते डीएम ने आदेश दिया है कि उद्योगों में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन पर फिलहाल रोक लगाई जाए और इसकी पूर्ति अस्पतालों में की जाए। इन हालातों के बाद एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले सप्लायर से बात की और जाना कि जिले में अब ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है और कितनी डिमांड है। खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले किसी हॉस्पिटल 5 सिलेंडर लगाता था वो इस टाइम 250-300 सिलेंडर रोज लगा रहा है।
लगा रहा है। अच्छा, कितने सिलेंडर हैं जो आजकल आप दिन में एक साथ सप्लाई कर देते हैं? आज के दिन जो है, मैं पहले 100 सिलेंडर की सप्लाई थी मेरी पर डे की, इस टाइम 500 से 600 सिलेंडर पर डे मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, जो कि 24 घंटे मेरे को लग रहे हैं। इस टाइम हमारा पूरा स्टाफ और जहाँ से हम भरवाते हैं वो पूरा कोऑपरेट करके इस चीज को कर पा रहे हैं। कोरोना ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जब सांसों की भी सौदेबाजी हो रही है। मरीजों की जान बचाने के लिए खुद उनके परिजनों को कतार में लगना पड़ रहा है और व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करने वाला स्वास्थ्य विभाग खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हर नए दिन के साथ कोरोना और भी ताकतवर होकर सामने आ रहा है। अब कोरोना को लेकर एक और खुलासा हुआ है जो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस वक्त देश में तीन तरह के कोरोना वायरस मौजूद हैं जो डबल म्यूटेंट के साथ आए हैं। इनमें ब्रिटेन से आया वायरस ज्यादा खतरनाक है जो तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। नोवेल कोरोना वायरस में व्यापक तौर पर रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि इस म्यूटेशन का प्रभाव बेहद खतरनाक है, जिसे B.1.1.7 का कोड नेम दिया गया है। उसे ब्रिटेन में हाल के केसों में व्यापक रूप से ट्रैक किया जा चुका है। हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई जून के महीने से कर रहे हैं देश में। कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में, विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट एक साल से ही कर रहे थे। 13,000 से ज्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। ब्रिटेन का वायरस कोड B.1.1.7, दक्षिण अफ्रीका कोड B.1.351, ब्राजील कोड B.1। नए वेरिएंट वायरस के पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है, जबकि वैज्ञानिक अभी भी इसके लिए सटीक स्पष्टीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे गंभीरता से लेना सही है, हालांकि इसके प्रभावित करने की क्षमता का अनुपात 30-70 का है। वुहान चीन में पहली बार सामने आने के बाद से SARS-CoV-2 ने कई बदलाव देखे हैं। UK वेरिएंट B.1.17 के शुरुआती जीनोमिक लक्षणों के मुताबिक इसमें असामान्य तौर पर कई बड़े जेनेटिक बदलाव देखे गए, खासतौर पर स्पाइक प्रोटीन में, जो अक्सर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वायरस मानव कोशिकाओं के साथ कैसे संपर्क करता है। UK का, that is Britain virus and it is also called as B.1.17, ये सिंगल म्यूटेशन वायरस है, ब्राजील से थोड़ा कम, लेकिन इसमें भी रेजिलिएंट पावर, रेजिस्टेंस पिछले वाले से कई गुना है। इंडिया में सबसे पहले ये वायरस 29 दिसंबर को मिला था। इसका ध्यान रखें कि बीमार होने के 10वें दिन आप अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, क्योंकि इस बार साइटोकाइन जो स्टॉर्म है वो 10वें दिन आ रहा है। जीनोम सिक्वेंसिंग के नतीजे दिखाते हैं कि वेरियंट गुनहगार हो सकता है। महाराष्ट्र के कई जिलों और खासकर मुंबई में इस वेरिएंट का प्रसार 60% तक है। भारत के 10 राज्यों में मिले सैंपल्स में B.1.617 पाया गया था। इसमें दो गंभीर म्यूटेशन होते हैं जो इसकी इम्यूनिटी से बचने और फैलने की संभावना बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस का ब्रिटिश स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। यहां के वायरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। B.1.1.7 नाम के वायरस ने दुनिया के 16 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों की संख्या में सैंपलिंग में इस नए स्ट्रेन की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। इस नए स्ट्रेन के असर, इसकी प्रसार क्षमता समेत तमाम पहलुओं पर वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। इस नए स्ट्रेन ने देश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता और बढ़ा दी है। भारत ने बीते महीने में 1% से भी कम पॉजिटिव मामलों की सिक्वेंसिंग की है। देश अब बचे हुए मामलों को कवर करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जबकि ये वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है उसे कुछ वक्त बाद पूरे देश में इसका प्रसार देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रिटेन के स्ट्रेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के भी घातक और जानलेवा स्ट्रेन इस वक्त देश में फैल रहे हैं। इन दोनों देशों के स्ट्रेन की पुष्टि भी कई लोगों की जांच में हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका का नया कोरोना स्ट्रेन तो इसलिए भी ज्यादा घातक है क्योंकि यहां इस्तेमाल हो रही कोरोना वैक्सीन का उस पर ज्यादा असर
नहीं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का वायरस भी खतरनाक। जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आए खतरनाक वायरस। ब्रिटेन के वायरस की तरह ही दोनों बेहद घातक। तेजी से फैलते हैं दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्ट्रेन। भारत में हाल ही में मिले यूनाइटेड किंगडम के 187 रूपांतरित कोरोना वायरस नमूनों के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाया गया कोरोना वायरस का नया रूप भी अब देश में दाखिल हो चुका है। बीते जनवरी में 4 लोगों में कोरोना वायरस का दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट सामने आ चुका है, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान एक व्यक्ति में ब्राजील के कोरोना वायरस वेरिएंट का पता चला। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वायरस वेरिएंट की पहचान जिन 4 लोगों में हुई है उनमें से एक व्यक्ति अंगोला, एक व्यक्ति तंजानिया और 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने ब्राजील में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में रूपांतरण और बढ़ी हुई प्रसार क्षमता देखी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूपांतरित कोरोना वायरस के तेजी से फैलने में ये कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। वायरस का नया रूप अब तक करीब 15 देशों में फैल चुका है। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने नए कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए बताया कि SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को 20H/501.Y.V2 या B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये स्ट्रेन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा पहला केस दिसंबर 2020 के बीच आया था। यूके स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। ये कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में लेता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे के सामने आए हैं जब वायरस के नए स्ट्रेन से कम उम्र के लोग भी संक्रमित हुए हैं। हालांकि अब तक इस वेरिएंट को लेकर ऐसे तथ्य सामने नहीं आए कि ये ज्यादा घातक है। कोरोना की दूसरी लहर काफी ज्यादा घातक है, शायद इसीलिए कोरोना के संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 24 घंटे का रिकॉर्ड टूट रहा है और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यूके स्ट्रेन की तरह इस बार दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन मिला है और दक्षिण अफ्रीका का जो स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये स्ट्रेन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा केस पहली बार दिसंबर 2020 में आया था। यूके स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलने वाला बताया जाता है और काफ़ी घातक बताया जाता है। ये कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ऐसा स्ट्रेन जो काफ़ी ज़्यादा घातक है और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना की अगर रफ्तार को देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये रफ्तार बढ़ते बढ़ते अब आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ गया है। कानपुर नगर की बात की जाए तो 2000 के आसपास और प्रदेश की बात की जाए तो 27,000 से ज़्यादा पेशेंट कोरोना संक्रमित रोज़ाना निकल के आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी वायरस की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है उसके इस्तेमाल पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि वैक्सीन के इस स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता लिमिटेड है। ब्राजील का स्ट्रेन जिसका नाम P1 है सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पिछली बार से ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा फैल रहा है। और रीजन इसका है कि इसकी जो प्रोटीन की लेयर है वायरस के ऊपर उसमें 12 स्पाइक्स प्रोटीन का म्यूटेशन है। ये 2.5 times ज्यादा इन्फेक्शियस है पुराने वाली लहर से। इतना कंटेजियस है कि अगर किसी की फैमिली में किसी एक बंदे को हुआ है तो ये सबको फैल रहा है। और जो भी हमारी वैक्सीन है, जैसे हमने फाइजर की लगाई है, कोविशील्ड लगाई है या कोवैक्सीन लगाई है, इनसे हमें पार्शियल इम्यूनिटी मिलने के कुछ चांसेस हमने देखे हैं। पर इसका सिंपल और एक सिंपल तरीका है प्रोटेक्शन का, वो है मास्क। कोरोना का जो स्ट्रेन ब्राजील का बताया जा रहा है उसे 20J/501.Y.53
या P.1 के तौर पर भी जाना जाता है। ये स्ट्रेन पहली बार ब्राजील में ही पाया गया था। ब्राजील में इस स्ट्रेन के काफी केस सामने आए हैं, खासकर ब्राजील शहर में इससे जुड़े काफी केस सामने आए हैं। ब्राजील का ये स्ट्रेन करीब 15 देशों तक फैल चुका है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और पहली लहर से कई गुना भयावह है कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, लेकिन ब्राजील का जो कोरोना का स्ट्रेन आया है उसे P.1 कहते हैं और ये स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एक स्टडी के मुताबिक 15 देशों में कोरोना का ब्राजील स्ट्रेन, जिसे P.1 के नाम से जाना जाता है, वो फैल चुका है। ऐसे में जो लगातार स्टडी निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार जो डॉक्टर्स के रिसर्च निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का जो कोरोना स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उससे ही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी लगातार इसी वजह से आलोचना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को वैल्यू दी और जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तो उसके बाद अब वहाँ की जनता भी उनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। जब ब्राजील में P.1 कोड के नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस का खुलासा हुआ था तो उसके बाद इसकी जांच करने वाले जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया कि 2 जनवरी को ब्राजील से आए यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। जिन लोगों में स्ट्रेन पाया गया था उनकी उम्र 10 साल से लेकर 40 साल तक की थी। NIIT ने बताया था कि इस वायरस के 12 म्यूटेशंस हैं। जो तीसरा है वो साउथ अफ्रीका का वायरस है। ये मार्च के अराउंड इंडिया में आया था सबसे पहले। इसका नाम है B.1.351। इट इज अ डबल म्यूटेशन वायरस, मतलब वायरल अपने ओरिजिनल फॉर्म से 2 times ज्यादा म्यूटेट हो चुका है। ये जितने भी वायरस हैं ये देखे गए हैं कि लंग्स में ल्यूमोसाइट सेल्स होती हैं, उनको अटैक करते हैं जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होता है, पानी भरता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। इन वायरस में पुराने लक्षण तो है ही, साथ में नए लक्षण जैसे आंखों में जलन, आंखों में लाली, आंसू आना, शरीर में रैश पड़ना। इनफैक्ट ये इस तरीके का म्यूटेशन है कि RT-PCR टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया। यानी कोरोना की दोनों नए स्ट्रेन ऐसे हैं जो न सिर्फ तेजी से फैलते हैं बल्कि कम उम्र के लोग भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। यही वजह है कि भारत में इन 2 नए स्ट्रेन के केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है। अब तक देश में ज्यादा उम्र के लोगों में कोरोना संक्रमण के ज्यादातर केस पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में से एक PGI का नया शोध और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नए शोध में पाया गया है कि कोरोना मरीजों के जरिए ही नहीं बल्कि फूलों के पराग कर्णों के जरिए भी बहुत दूर तक फैल सकता है। ये शोध लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के बाद और भी पुख्ता हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना हवा के जरिए भी फैल रहा है। बाग बगीचे भी हो सकते हैं कोरोना के अड्डे, फूलों की दीवानगी भी कर सकती है संक्रमित। खुशबू के साथ हवा में घूम रहा कोरोना वायरस, पल पल कोरोना हो रहा जिंदगी के लिए घातक। कोरोना की डबल म्यूटेन स्ट्रेन को लेकर दिन पर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन जानकारियों में जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डरावने हैं। चंडीगढ़ PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी के हालिया शोध में जो हकीकत सामने आई है उसके बाद तो कोरोना को लेकर डर और भी बढ़ना तय है। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ PGI का बड़ा खुलासा, हवा के कणों के साथ दूर तक जा सकता है कोरोना वायरस। पराग कणों के जरिए भी दूर तक कर रहा है सफर। COVID-19 के संक्रमण को लेकर रोज नए नए वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं। प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक PGI चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना के तेजी से फैलने की वजह वायरस का पराग कणों के साथ मिलना और फिर हवा के जरिए दूर तक पहुंचना भी हो सकता है। दरअसल देश के वैज्ञानिक कोरोना के डबल म्यूटेन स्ट्रेन के तेजी से फैलाव पर शोध कर रहे हैं। इसी पर शोध में जुटी PGI चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने बीते नवम्बर में अपने शोध में पाया था कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पराग कणों के साथ भी मौजूद है। कोरोना को लेकर इस शोध की एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय साइंस मैगजीन
हेल्थ साइंस जर्नल सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है। शोध की ये रिपोर्ट इसलिए भी काफी मायने रख रही है कि कोरोना ऐसे वक्त में देश में तेजी से पांव पसार रहा है जब परागकण की प्रक्रिया भी अपने चरम पर है। रिपोर्ट का दावा PGIMER चंडीगढ़ के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर और शोध के प्रमुख रविंद्र खाईवाल ने किया। परागकणों के साथ कोरोना वायरस के मिल जाने और मौसमी स्थितियों के चलते उसके प्रसार को लेकर अध्ययन किया गया। पाया गया कि कोरोना मिश्रित जैव पराग कण लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं। ये दूरी एक शहर से दूसरे शहर तक भी हो सकती है, लेकिन काफी कुछ मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें तापमान, बारिश, आर्द्रता और हवा की गति प्रमुख है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस हवा के साथ तेजी से और दूर तक फैल सकता है। लेकिन लैंसेट और चंडीगढ़ PGI के शोध के बीच एक अंतर, लैंसेट की शोध रिपोर्ट हवा से सीमित प्रसार की ओर इशारा करती है, जबकि चंडीगढ़ PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्ययन पराग कणों के जरिए कोरोना की लंबी दूरी तक पहुंचने की संभावना जता रहा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि नेपाल समेत करीब 40 किस्म के वायरस पराग कणों के साथ मिलकर लंबी दूरी तक हवा में जा सकते हैं। पराग कण उच्च जैविक कोशिकाओं द्वारा निर्मित यौन प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण नर जैविक संरचनाएं, इनका आकार 2 से लेकर 300 माइक्रोन तक होता है। आमतौर पर ये स्वयं स्थिर रहते हैं और हवा, कीड़े, पक्षी और पानी जैसे एजेंट द्वारा फैलाए जाते हैं। शोध में ये भी कहा गया है कि कोविड प्रबंधन के लिए परागकणों की भूमिका पर और गहन अध्ययन किए जाने की जरूरत है। प्रोफेसर खाईवाल का दावा है कि पराग और कोविड-19 पर आधारित ये दुनिया का पहला अध्ययन है। इस शोध का मकसद संक्रामक बीमारियों को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके के अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। प्रोफेसर खाईवाल का ये भी दावा है कि मौजूदा वक्त में कोरोना के तेजी से पांव पसारने के पीछे केवल लोगों का व्यवहार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई पर्यावरणिक कारण भी जिम्मेदार हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। क्योंकि हवा में कोरोना के फैलने की आशंका को लेकर दुनिया के सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल्स में से एक लैंसेट की रिपोर्ट भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ब्राजील से आया बच्चों का जानी दुश्मन, महामारी की मायावी चाल, टारगेट पर 80,000, कलेजे के टुकड़े को बचाना है। देखिए रात 9 बजे मुद्दे की बात।